ए बराबर तीन, तीन गुने पांच, और बी बराबर दो के पावर चार, पांच और सात हो, तब लॉस ऑफ ए और बी, ए बी होगा, मतलब क्या है? ए में लिखेगा था क्या है 40, बी में दिया है 560, सी में क्या दिया है 1120, डी में क्या दिया है 1680 रुपया, और सभी ने नहीं बोलेगी। ए बराबर क्या दिया है? 2 का पावर 3 दिया, तो 2 से 3 डिवाइड लिख लो, है भाई जोड़ रहे हैं अभी। ना, तीन और पांच। बी बराबर क्या दिया है? 2 × 2 × 2 × 2 पांच और सात, ठीक है? देखो, 2 × 2 × 2 क्लियर आ गया, 2। इसमें क्या आ गया? 3, 5 के बदले को 5 और, ठीक है? अब याद रखो, पहले 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 48, 48 × 25 जो होगा होगा। क्या किया? 2 × 4, 4 × 8 = 16, 32, 2 × 4, 4 × 8 = 16, 16 × 25 = 80, 8 × 3 = 24, ठीक है? और 24 में यानी 240 में 7 से गुणा किया कितना आएगा? 1680। यानी हमारा आंसर कितना आएगा? 1680। कितना पढ़ो, आ रहा है? लिखिएगा 144 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड में 2 का घातांक घातांक है, क्या है? ए बराबर 2, ए बराबर 3, बी बराबर 6, सी बराबर 4 और डी बराबर, जल्दी ठीक है आपको? दूसरे 14, दूसरा 4, 36 × 72, 18 × 18, अब 9 काटिए तो 3 ना आएगा, तो आएगा नहीं। अब कितना हो, कौन को आ गया? 4 को आया, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? जल्दी, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? रूट में 17, रूट में 100, रूट में 4, रूट में 16 + 25। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बताइए आंसर दे। 17। बहुत अच्छा, वेरी गुड, यही आंसर ही होगा। कौन सा अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? ए बराबर 91, बी बराबर 213, सी बराबर 41 और डी बराबर 501। चल दे, हाँ कौन होगा? निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? ए सी। क्यों होगा सी? क्योंकि 13 × 7 = 91 कट गया, ये भी कट जाएगा 3 से, 3 × 7 = 3, कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। यही है कि इकलौता है जो किसी से नहीं कटेगा। दो लगातार
संख्याओं का मौसम, संख्याओं का मौसम है। दो लगातार संख्याओं का मौसम है। क्या कितने दिया है? ए में चार, बी में दो, सी में जीरो और डी में एक। बोलिए, दो लगातार संख्याओं का मौसम मतलब क्या है? दो और तीन का मौसम निकालोगे तो एक ही ना आएगा, चाहे तीन और चार का मौसम निकालोगे तो एक ही ना आएगा। मौसम पूछा पूछता था, बदल जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर चार और पांच का मौसम निकालिएगा क्या वन ना आएगा? पांच से छह का मौसम वन ही आएगा ना। यानी कि दो लगातार संख्याओं का मौसम कितना होता है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में यहाँ पे क्या, निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? रूट में दिया है एक बट्टा 144, बी में दिया है 50 बट्टा में 500, ठीक है, सी में दिया है 32, डी में दिया है 5 प्लस रूट 5। जल्दी बताइए नहीं क्यों होगा? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है? परिमेय का मतलब बात समझिएगा, यहाँ पे एक निकलेगा तो एक निकल जाएगा। अब बारे बना हुआ 144 बना है, और इसको काटते हो तो 5 आए 50, रूट में क्या आ गया 1/10। 32 को तोड़ोगे 8 का 32, देखोगे 8 को 32 16 32 कर दो, 16 के बाद क्या निकल जाएगा 4। फिर भी तो रूट में है, हाई भी चलते में ना है, सब रूट में से बाहर निकल रहा है। आठ से काटो ना यार, और आठ से काटते हो तो आठ चौका बत्तीस, आठ चौका बत्तीस, चार का बाहर निकल तो दो निकल जाएगा, फिर क्या बच गया रूट में? आठ, आठ को भी तोड़ सकते हो, दो गुने रूट में चार गुना आठ, तोड़ो गुने इसको, इसके बाद क्या निकल जाएगा? दो, तो दो गुने दो रूट में क्या निकल जाएगा? चार रूट में ना।